हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये आपने क्या किया समुद्र राज? आपने प्रभु श्री राम की सौगम देकर आपने मेरे हाथ ही बांध दिए। मैं तो स्वयं प्रभु श्री राम की सहायता करना चाहता था। मैं तो सीता मैया को प्रभु श्री राम से मिलाना चाहता था, परंतु आपने मुझे विवश कर दिया। विवश कर दिया समुद्राज, विवश कर दिया। विवश तो आपने मुझे कर दिया हनुमान जी। पवन पुत्र, यदि आप मेरा सारा जल पी जाते तो उसका क्या दुष्परिणाम होता, इसके बारे में तो सोचा होता। लक्ष्मण जी, ये प्रयास तो समुद्र में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी। भैया, किसी भी प्रकार बिना विलंब के ये सेतु बनना चाहिए। हनुमान से मिलने के बाद सीता की आंखें केवल हमारे दर्शन के लिए तरस रही होंगी। वो केवल हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। हमें शीघ्र ही, अति शीघ्र लंका जाना होगा। परंतु सेतु इतनी जल्दी कैसे बन पाएगा? हनुमान। आज्ञा प्रभु। तुम विलक्षण हो हनुमान। तुम्ही ने विशाल काय रूप धारण कर अंतरिक्ष मार्ग से उड़ते हुए इस विशाल समुद्र को पार करते हुए शत्रु के घर में घुसकर सीता तक पहुंचे। हे पवन पुत्र हनुमान, अब हम केवल तुम पर ही निर्भर हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विशाल काय समुद्र पर कैसे सेतु बनाए, कैसे इस शतयोजन समुद्र को पार करें। हनुमान, यदि हम सेतु ना बांध पाए तो हम लंका नहीं जा पाएंगे, और लंका ना जाने का अर्थ है कि मेरी और सीता की भेंट ना होना। हनुमान, सीता मेरी आत्मा है, और यदि शरीर में आत्मा ही ना हो तो शरीर का क्या लाभ? वो शरीर तो एक निर्जीव शरीर ही हुआ ना। नहीं प्रभु, ये कदापि नहीं होगा। मैं मार्ग बनाऊंगा प्रभु, मैं मार्ग बनाऊंगा प्रभु, मैं मार्ग बनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमान, आपको आदेश देता हूं कि हमें लंका जाने के लिए तत्काल मार्ग दें। समुद्र राज, यदि आपने हमारे आदेशों का पालन नहीं किया तो मुझे प्रभु श्री राम की सौगंध, मैं स्वयं महर्षि अगस्त की भांति स्वयं आपका जल ही पी जाऊंगा, और उस जल को तब तक अपने पेट में धारण किए रहूंगा जब तक प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना सहित लंका तक नहीं पहुंच जाते। हे
रुक जाइए पवन पुत्र, रुक जाइए। आपको प्रभु श्री राम की सौगंध है, रुक जाइए। ये आपने क्या किया समुद्रराज? आपने प्रभु श्री राम की सौगंध देकर आपने मेरे हाथ ही बांध दिए। मैं तो स्वयं प्रभु श्री राम की सहायता करना चाहता था। मैं तो सीता मैया को प्रभु श्री राम से मिलाना चाहता था, परंतु आपने मुझे विवश कर दिया। विवश कर दिया समुद्रराज, विवश कर दिया। विवश तो आपने मुझे कर दिया हनुमान जी। पवन पुत्र, यदि आप मेरा सारा जल पी जाते तो उसका क्या दुष्परिणाम होता, इसके बारे में तो सोचा होता। हे समुद्रराज, इस वक्त मैं केवल यही सोच रहा हूँ कि यदि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना सहित लंका नहीं पहुंचे तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा और कैसा अनर्थ होगा। यही सोचकर मैंने ये महाकाय रूप धारण किया है।